ओके हेलो गाइस, अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो एक टॉपिक में हमारा रह गया है वो है मिनरल्स, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मिनरल्स पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये जो हम आपको लग रहा हो कि पहले किसी के जो लेक्चर्स हैं वो थोड़ा सा एग्जैजरेटिव और लंबे हैं, तो रीज़न ये है कि इसमें मैंने दो चीज़ें कवर करी हैं। एक तो बेसिक्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट किया है, और साथ साथ आपको इसकी डिफिशियंसी से होने वाली जो बीमारियां हैं या फिर इनके एक्सेस यूज़ से ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली दिक्कतें, इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिवली बताया है। तो न्यूट्रिएंट्स ये टॉपिक लंबा नहीं है, इसमें दो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं गाइस? मिनरल्स क्या होते हैं? ये को फैक्टर ऑफ एंजाइम होते हैं। को फैक्टर ऑफ एंजाइम का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो दोबारा सुन लीजिए। को फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी एंजाइम जो कि कैटलाइज करता है किसी भी रिएक्शन को, यानी कि ये किसी भी सब्सट्रेट के साथ मिलके अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस एंजाइम को भी एक्टिवेट होने के लिए या काम करने के लिए को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होते हैं, और स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि आपकी हड्डी और हड्डियों और दांतों का हिस्सा होते हैं। बेसिक यानी कि कैल्शियम की मदद से जो है आपकी बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इनकी इनकी वजह से आपकी बॉडी में जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, ये इन कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। ये दो टाइप के होते हैं गाइज, इसमें भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मिनरल्स में डिवाइड किया गया। मैक्रो मिनरल्स यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, और माइक्रो मिनरल्स यानी कि जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैक्रो में क्या क्या आ जाता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, सल्फर, मैग्नीशियम। माइक्रो में आपके कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, निकल, सिलेनियम, टाइटेनियम एंड विनेडियम। यहाँ पर आयरन जो है माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में डाला गया है, बट यहाँ पर मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आयरन आता है, क्योंकि आयरन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और हम इसे बाहर से कंज्यूम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सेपरेटली पढ़ लेते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कैल्शियम यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये दिस इज नीडेड फॉर मसल्स, आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, आपके हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बॉडी की बोन्स को बिल्ड करता है, ब्लड सेल में सिंथेसिस में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इवन ब्लड क्लॉट में भी रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको मिलता किससे गाइस? डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, अंडों से, फिश से मिलता है, बोन से मिलता है, सैल्मन और सार्डिन जैसी मछलियाँ जो होती हैं उनसे मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, नट्स से, सीड से, सीड्स यानी कि कुछ प्रकार की जो नट्स होती हैं, सीड्स होते हैं उनसे मिलता है, टोफू से मिलता है। टोफू गाइस सोयाबीन, सोयाबीन से बना हुआ एक पनीर जैसा दिखने वाला एक एक एडिबल मटेरियल होता है जिसे हम टोफू कहते हैं। थाइम से मिलता है, थाइम एक प्रकार की हर्ब है। ऑरिगनो से मिलता है, जो ऑरिगनो आपने सुना ही होगा जो पिज्ज़ा वगैरह में पड़ती है। दिल से मिलता है, सिनेमन से मिलता है। इसकी डिफिशियंसी किसे क्या क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है या ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम डिफिशियंसी में। इसमें क्या होता है गाइस, रिकेट्स में जो आपकी बोन्स होती हैं वो बहुत ही डिफॉर्म्ड होती हैं, ढंग से बनी नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं। तो बच्चों में अगर होता है तो इसे हम रिकेट्स बोल देते हैं, और यही चीज़ जब बड़ों में होता है तो हम इसे ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। सीवियर डिफिशिएंसी चिल्ड्रन में कांस्टेंट ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो है ठीक से नहीं होती है, हाथ पैर का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, मसल्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, पैर बड़ा छोटा हो सकता है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, और मसल्स वीकनेस हो सकती है, कैल्शियम की मात्रा सही से नहीं मिलने में आपकी मसल्स बहुत कमज़ोर और वीक हो सकती हैं, तो आप थका थका महसूस करेंगे। टिटैनी की बात, टिटैनी में क्या होता है गाइस? यहाँ पर टिटैनी में हम चेक कर लेते हैं। देखिए, आपके कैल्शियम की कमी की वजह से आपके हाथ पांव जो है इस तरीके से टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ये सिर्फ हाथों को दिखा रहे हैं, ऐसा पैरों में भी होता है, बोन्स जॉइंट हो जाती है, मुड़ जाती है, और दोबारा सभी सीधी नहीं होती हैं। हाइपर इरिटेबिलिटी, आपको आपके हाथ पैरों में हमेशा झुंझुनाहट वगैरह रहती है। हाइपर प्लेसिया, हाइपर प्लेसिया में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी की वजह से कमज़ोरी होती है और डिफॉर्म्ड बॉडी होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग एटीपी एंड फॉर बोन्स। एटीपी क्या होता है? एटीपी एक एनर्जी का, एनर्जी
होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में नेसेसरी होती है। तो एटीपी की प्रोसेसिंग में मैग्नीशियम का काम होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम होता है, प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में मैग्नीशियम काम करता है, एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन यानी कि जो आपकी जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, आपकी न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो ब्रेन में जो इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें मदद करता है। ये मिलता किससे गाइज, आपको पालक से मिलेगा, फलियों से मिलेगा जिसे हम लेग्यूम्स कहते हैं, नट से मिलेगा, सीड से मिलेगा, होल ग्रेन यानी कि पूरा का हार से मिलेगा जिसमें सीरियल्स और पल्सेस आ जाती हैं, और पीनट बटर में मिलेगा, एवोकाडो में मिलेगा, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है सर, हाइपर कैलीमिया हो जाता है यानी कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने से आपकी मसल्स वीक होते हैं, हाइपोकैलीमिया हो जाता है यानी कि पोटेशियम की भी कमी हो जाती है इसकी कमी की वजह से। पोटेशियम की कमी होने से क्या होता है गाइस, इसकी जो जो मेन जहाँ पर ट्रांसमिशन होते हैं जैसे कि हार्ट में आपके हार्ट डिजीज़ हो सकती है क्योंकि पोटेशियम जो है नर्व इम्पल्स कैरी करने में जो है काम करता है। आप कई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल न्यूरोमस्कुलर कार्डियोवास्कुलर एंड हेमेटोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। आपको कार्डियक अरिथमिया हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करते हैं, तो आपको हार्ट को ये रिदमिक वे में यानी कि एक रिदमिक एक लय में काम करने का जो है प्रोसीजर करते हैं। अगर इसकी कमी होती है, पोटेशियम पम्प की कमी होती है, तो आपका जो हार्ट है एक अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है और ब्लड पम्प नहीं करता है जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रिमोर्स होता है यानी कि हर समय आपकी बॉडी में एक एक झुंझुनीपन होना या फिर हाथ पाँव ना हिलते नहीं है, हाथ पाँव जो है कॉन्स्टेंटली हिलना, वाइब्रेट करना, वीकनेस होना, ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन आ सकती है, फिब्रिलेशन यानी कि ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है गाइस कि आपका हार्ट जो है एक्सेसिवली बीट करता है यानी कि 75 से 100 की स्पीड, 75 से ज़्यादा हो जाती है इसकी स्पीड, इसकी यानी कि एक मिनट में 100 बार बीट करने लगता है और इरिदमिक हो जाता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम या सडन कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक हो सकता है। फिब्रिलेशन में यहाँ पर क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि पोटेशियम पम्प मैग्नीशियम जो पम्प जो है कम हो जाता है जिसकी वजह से पोटेशियम प्रोड्यूस नहीं होता है, तो आपका हार्ट जो है अजीब तरीके से वाइब्रेट करता है और उसके बाद कन्वर्जन होने लगता है और डेथ होने लगती है, डेथ हो जाती है। तो मैग्नीशियम जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस अ कंपोनेंट ऑफ बोन सेल्स, ये आपकी बोन्स में प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं उसका एक कंपोनेंट होता है। अ कंपोनेंट बोन सेल इन एनर्जी प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डीएनए और एटीपी प्रोड्यूस करता है, एंड और उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस में ये काम आता है। ये आपको मिलता है किससे, रेड मीट से मिलता है, डेयरी फूड से मिलता है, फिश से मिलता है, पोल्ट्री यानी कि चिकन से मिलता है, चिकन वगैरह में मिलता है, चिकन मीट में मिलता है, ब्रेड राइस ओट्स में मिलता है। सिम्टम्स में क्या होता है, इस फास्फोरस की कमी से आपको वीकनेस होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, मलेशिया, और मलेशिया का मतलब होता है कि अनहैप्पी रहना, थका थका रहना, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करना, मतलब बिना वजह ना खुश रहना, और आपको पेन होगा आपकी बोन में। हीमोलिटिक एनीमिया यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। न्यूरोलॉजिक एंड साइकियाट्रिक डिस्फंक्शन यानी आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, डिस्फंक्शन होगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। हाइपर कैल्सीयूरिया यानी कि आपकी यूरिन में जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम का कंटेंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सोडियम गाइस। सोडियम क्या होता है, इज अ सिस्टमिक इलेक्ट्रॉलाइट एंड इज एसेंशियल इन द को रेगुलेटिंग एटीपी विद पोटेशियम, यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ज़रूरी है एटीपी यानी एनर्जी और पोटेशियम के को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ये मिलता किससे है, आपको टेबल सॉल्ट यानी कि नमक में मिलता है। सोडियम क्लोराइड द मेन सोर्स होता है टेबल सॉल्ट में, सी वेजिटेबल्स में मिलता है, समुद्र में उगने वाले वेजिटेबल्स में, मिल्क में मिलता है, पालक में मिलता है। एक्सेसिव वेट लॉस, इसकी कमी से क्या हो जाता है, सॉरी एक्सेसिव स्वेट लॉस, जब हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो सोडियम का जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होता है जिसकी वजह से हमें अचानक से वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो सकता है। डिप्लीशन ऑफ सोडियम विच कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प, सोडियम की डिप्लीशन की वजह से आपको क्रैम्प हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, ऐठन हो सकती है सडनली मसल्स में। मेंटल कन्फ्यूजन यानी कि सडनली आपको आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप डिजी डिजी महसूस करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे,
ठीक है, चीज़ों को आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एपेथी यानी कि एपेथी का मतलब भी यहाँ पर मलेशिया से है, कहीं ना कहीं आप थके थके रहेंगे और आप अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आप बीमार महसूस करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी और इसकी वजह से कोमा की कंडीशन भी आ सकती है, यानी कि अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, जिसमें आपका ब्रेन जो है काम नहीं करता है, ठीक है, आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाइड पोटेशियम, अ सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट एंड इज एसेंशियल इन को रेगुलेटिंग एटीपी विद सोडियम। इसमें भी देखिए सेम है पोटेशियम की तरह। स्वीट पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, बीन्स, लेंटिल्स, दाल से, डेयरी प्रोडक्ट से, सी फूड से, बनाना से, प्रून से, कैरेट, ऑरेंज, इनसे मिलता है। इसकी डिफिशियंसी से मसल्स वीकनेस हो सकती है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है। अब बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड देखिए एसेंशियल क्या है, फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल एनामल। हमारे दांत में जो एनामल होती है उसके बिल्ड करने के, एनामल क्या है, हमारी दांत जिससे बने हैं वो एनामल है, तो इसको मिनरलाइजेशन करने के लिए यानी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए फ्लोराइड की ज़रूरत होती है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेंटल डिके, इसकी हमें मिनिमम जो मात्रा हमें इसकी मिलती रहती है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दांत सड़ते नहीं हैं। इसका सोर्स जान लेते हैं। ट्रेसेस ऑफ फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन टिश्यूज, हमारी बॉडी में इसके थोड़े बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये थोड़ा बहुत, और इसका जो मेन सोर्स होता है ये ड्रिंकिंग वाटर होता है, और कई बार इसकी कमी से जो लोगों के दांत सड़ जाते हैं या इनेमल उनकी घिस जाती है, तो सरकार इस बारे में ध्यान देती है कि वो जो सप्लाई वाटर होता है उसमें फ्लोराइडाइजेशन करती है। इसकी कमी से क्या होता है, एसेंशियल वाटर ह्यूमन फ्लोराइड इज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल एलिमेंट बिकॉज ह्यूमन डू नॉट रिक्वायर इट फॉर ग्रोथ और टू सस्टेन लाइफ। इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम नहीं आता है, बट आपके दांत सड़ने में काम, दांत को सड़ने से बचाने में या इनको ख़राब होने से बचाने में काम आता है। और अगर दांत सही रहेंगे तो आप जो भी खाएंगे, जो भी च्यू करेंगे वो आपके पेट में जाएगा, वो डाइजेस्ट आसानी से होगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फ्लोराइड नेसेसरी नहीं है लेकिन फिर भी नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन तो गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन जो कि है थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन है, जो कि आपकी को रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। आपकी बॉडी में हीट रेगुलेशन करते हैं, इसके लिए थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में मदद करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ये आपको मिलता है गाइस कहाँ से, ये आपको सी फूड से मिलता है, सी वीड से मिलता है, समुद्र में उगने वाले जो पौधे होते हैं वीड्स उनसे मिलता है, मीट से, मिल्क से, ग्रेन से, एग से, आयोडाइज सॉल्ट से मिलता है। सॉल्ट आयोडाइज नहीं आते लेकिन सरकार इन्हें स्पेशली आयोडाइज कराती है ताकि सॉल्ट के थ्रू आपकी आयोडीन की कमी पूरी हो। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है गाइस, गोइटर हो सकता है, घेंघा जिसे बोलते हैं, क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म में एक वर्ड दिया गया है कि जिन लोगों को आयोडीन की डिफिशियंसी होती है इनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो वो बेवकूफ़ और बददिमाग टाइप के लोग होते हैं, यानी कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार अगर आपको ऐसे लोग मिले तो आप ये मत समझिएगा कि वो बेवकूफ़ हैं, हो सकता है उनकी ग्रोथ ईयर्स में उन्हें आयोडीन ठीक से नहीं मिला हो, ठीक है, तो मजाक मत उड़ाइएगा उनका, ठीक है। सबसे लास्ट आ जाते हैं गाइस हम आयरन। आयरन रिक्वायर्ड फॉर मेनी प्रोटीन एंड एंजाइम नोटेबली हीमोग्लोबिन टू प्रिवेंट एनीमिया। रिक्वायर्ड फॉर मेनी प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम्स की प्रोडक्शन में इसे रिक्वायरमेंट होती है। हीमोग्लोबिन के डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड ब्लड, जो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में जो रेड पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और इसकी प्रोडक्शन आयरन की, आयरन से हमारी, आयरन की सफिशियंट रिक्वायरमेंट से हमारी बॉडी में एनीमिया नहीं होता, यानी कि खून की कमी नहीं होती। ये आपको मिलता किससे गाइस, रेड मीट से मिलता है, शेल फिश से मिलता है, एग योक से मिलता है, ड्राई बीन से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है, नट्स, हरी सब्जियों से मिलता है, सी फूड में मिलता है, होल ग्रेन सीलियर यानी सीरियल्स यानी कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान, इनसे मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, कंटेंट ऑफ आरबीसी जो कि हीमोग्लोबिन आरबीसी विच कॉजेस फटीग, और खून की कमी से आपको थकान होगी, वीकनेस होगी, आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो ये सारे जो हैं मिनरल्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया है गाइस, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे कवर करेंगे।
तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा ये, सो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन करें इसके, यानी इस टॉपिक के न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स के आगे और हम टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं. थैंक यू सो मच गाइस.